पेंट होने के बाद अपना जो बाइक का पार्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले इसकी जो शाइनिंग है वो बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल डल हो गया था दोस्तों। ये प्लास्टिक पार्ट है अपने बाइक का टेल लाइट का, और पेंट होने के बाद आप फर्क देख सकते हो कितना फ़र्क जो है अपने पार्ट पे आ चुका है। अब आने वाली वीडियो इसकी रीपेंटिंग की आप देखने वाले हो। चलो सीधा वीडियो पे चलते दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब दोस्त अच्छे होंगे। आज मैं अपनी बाइक का जो पिछला मडगार्ड है उसको हम रीपेंट करने वाले हैं, और जो कलर अपना रहने वाला है वो है मैट ब्लैक, और जो ब्रांड है अपना जो स्प्रे पेंट का वो है एब्रो। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जैसे कि आपने पीछे मैंने इसका रिव्यू वीडियो डाल रखा, अगर नहीं देखा तो वीडियोज़ की कैटेगरी में जाके आप देख सकते हो। जिस पार्ट को आप रीपेंट करोगे उसके जो पार्ट्स है उसको एक बार मास्किंग कर लेना, जैसे मैंने की है। चलो सीधा पेंट करते हैं। आफ्टर और बिफोर का जो आप रिजल्ट आप देख सकते हो दोस्तों। पहले हमारे जो मडगार्ड की कंडीशन थी वो बिल्कुल डल हो चुकी थी, जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल डल हो गया था धूप के कारण, ठीक है ना। और मेरी बाइक जो है उसके जो 5 ईयर है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 5 साल पुरानी जो है मेरी बाइक हो गई थी, तो उसके कारण जो है वो कलर भी फेड हो गया था हमारे प्लास्टिक का जो पिछला मडगार्ड है उसका। इसलिए हमने इसको मैट ब्लैक में किया है। इसको हम ग्लोसी ब्लैक में भी कर सकते थे, लेकिन ग्लोसी ब्लैक में जो था वो भद्दा लगता, इसलिए हमने जो मैट ब्लैक है उसी में इसको किया है। बहुत आसान है दोस्तों, अपनी बाइक को आप आसानी से घर पे रिस्टोर कर सकते हो, रीपेंट कर सकते हो। अगर आपकी बाइक भी ऐसे डल हो गई है या आपका जो बाइक है वो रस्टिंग पकड़ गई है, तो घर पे आप इजीली 2 से 3 दिन के अंदर आप आराम से इसको घर पे रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अपने जो बाइक के जो पार्ट है उसको अच्छी तरीके से कवरिंग कर लेना। और जो स्प्रे कैन है, जब आप पेंट करो इसको एक जगह पे फोकस मत करना, इसको इधर उधर हिलाते रहना, मतलब एक जगह पर दबा के रोकना मत, नहीं तो वहीं पे एक जगह पेंट इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो मेल्ट होगा तो भद्दा लगेगा। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, अपने जो पेंट है इसको रोटेट करते रहना, हाथ को हिलाते रहना इधर इधर उधर, ठीक है ना। और तरीके से करना, बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि भद्दा लगे। एक तरीके का हाथ चलाना, सीधा तो सीधा चलाओ या लंबा चलाओ, जैसे चलाओ, लेकिन एक ही तरीके से चलाना, उल्टा सीधा मत चलाना, नहीं तो उसका निशान पड़ जाएगा भैया। अब अपना जो फाइनल कोट है, सेकंड कोट, वो स्टार्ट हो चुका है। और बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, अपना जो मडगार्ड है पिछला वो कितना शाइनी हो चुका है दोस्तों। देखो पहले कंडीशन कैसी थी, अब कितना अच्छा शाइनिंग हो गया है। ये तो कुछ दोस्तों मैं अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो मैं लेके आऊँ, क्योंकि अपना व्हीकल सबको प्यारा लगता है, मेरे को भी प्यारा लगता है। इसलिए थोड़ा बहुत आप जो है ये रिस्टोर आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आपकी बाइक रस्ट हो जाती है या जंग पकड़ लेती है, घर पे आसानी से छोटे मोटे काम आप कर लेते हो, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, लव यू ऑल।